अब वक्त है इंडिविजुअल सवाल जवाब का। मनीष छाबरा साहब हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी सर नमस्कार, धन्यवाद फॉर कॉलिंग। मेरे पास में इरिडा के 100 शेयर्स हैं @198, ओके जी, और मैं 6 महीने तक रुक सकता हूँ। इसके साथ एक और शेयर है, अगर बता पाए तो, बोलिए। वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं 2000 @18.16। ठीक है, पहले आईरेडा पे बात कर लेते जी सर, हैं। जी आईरेडा, आपके पास 100 शेयर हैं यहां पर और 198 के भाव पे थोड़ा मामूली सा नुकसान है, ₹2 से थोड़ा ऊपर का। मानस जी क्या करें, आईरेडा में रुकते हैं तो आगे प्रॉफिट दिखेगा इन्हें? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये 210 का जो पिछला हाई था उसको ब्रीच करके ₹240 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर बने रहिए, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे तब तक आप अपने स्टॉप लॉस 184 के नीचे लगा के अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस पोजीशन में बने रहिए। 210 से ऊपर गया तो 240 के लेवल दिखाएगा, आपका लॉस कवर हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने वोडाफोन आइडिया के लिए पूछा सर, 2000 शेयर है, ₹18.16 के भाव पर, आज की क्लोजिंग है ₹17.62, थोड़ा नुकसान है इनको, लेकिन क्या भरपाई होगी? तो देखिए, 6 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो आइडिया को होल्ड किया जा सकता है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम बना है। मेरे ख्याल से एक बार ये 18 18.50 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे तब आपको 23 24 रुपए के टारगेट सेट करके चलने हैं, बट फिलहाल के लिए आप बने रहिए और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि ₹16 के आसपास है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ₹16 का स्टॉप लॉस वोडाफोन में लगा लीजिए, 18 का इंतजार कीजिए। 18.50 आया तो उसके बाद फिर 23 से ₹24 दिखा सकता है, लेकिन 5 से 6 महीने याद रखिएगा। ठीक है।